तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। मैं अभी पहुंचा हूं मैसूर शहर के ललिता महल पैलेस। दोस्तों इस पैलेस में कई एक बॉलीवुड की मूवी शूट हुई हैं, जैसे कि आज का अर्जुन, मर्द, दीवाना और बहुत सारी फिल्मों के यहां पे सीन लिए गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब फिल्मों में एक राजा साहब की हवेली ज़्यादातर दिखाई जाती है तो इसी पैलेस को दिखाई जाती है। आज हम इसमें अंदर जाने वाले हैं और इसका पूरा नज़ारा आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी मैं गेट पर खड़ा हूँ, ये इसका एंट्री गेट है जहाँ से हम अभी एंट्री लेंगे। तो चलते हैं, हमने टिकट ले लिया है। जो यहाँ पे आया है, हम दो लोग हैं तो दो पर्सन का यहाँ पे 200 रुपये का है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसका पूरा यहाँ पे विवरण दिया हुआ है और ये है इसका मेन गेट, इसी से हम अभी अंदर चलने वाले हैं। केजीएफ सेकंड का यहाँ पे है, सेकंड भी है। दोस्तों ये है इसका टिकट जो 200 रुपये का आया है, ये मेरे नाम से कटा हुआ है, इस पर दो पर्सन हैं और सामने ही है ललिता महल पैलेस। तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं। सत्येंद्र भाई सामने जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है, बैग को उठाते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम अंदर आ गए हैं और ये पैलेस का ऐसा नज़ारा है। और इधर से हम आए थे, ये इसका एंट्री गेट है। अभी इसके अंदर भी जाएंगे हम लोग। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे बॉलीवुड की कई एक मूवी की शूटिंग हुई है, तो यहाँ पे दीवाना फिल्म में इसको बाहर से दिखाया जाता है और ये ऋषि कपूर की हवेली दिखाई गई है, और मर्द फिल्म में भी इसको दिखाया गया है और आज का अर्जुन में भी ये हवेली दिखाई गई है। बहुत सी बॉलीवुड की मूवी है जिसमें ये दिखाई गई है। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर चल के अंदर के नज़ारे आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये शिलालेख लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है वेलकम ललिता महल पैलेस, और ये कन्नड़ भाषा में वेलकम लिखा हुआ है, और सामने पैलेस है। दोस्तों यहाँ से नज़ारा आ रहा है खूबसूरत, और ये फ्रंट का नज़ारा है। इधर चारों तरफ गार्डन है। शूटिंग कौन सा हुआ फिल्म का? पहला फिल्म में अमिता का शराबी। शराबी? अच्छा, और दूसरा? दारू पी के अंदर गिर के जाता है इधर उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन सा अच्छा फिल्म? घर दो फिल्म, मर्द बली थी अमिताभ का, और बाद उसे आज का अर्जुन। आज का अर्जुन वहीं पे बनी, लड़की ऊपर बनते ना। अच्छा अच्छा, लड़की ऊपर। हाँ, बाद में बरसात, बाबी डेल का। बरसात का भी यहीं का सीन है, सीनरी बना थी गार्डन में, गार्डन में सीनरी बनाया था। और अब बोले ना दीवाना मूवी देखी है मेरी, दीवाना मूवी, उम्मीद गाना है ना सॉन्ग्स। हां हां, दिया भारत के अंदर से आती है। अच्छा अच्छा, दिव्य भारत के अंदर से आती है तेरी उम्मीद, ऐसा करके फिल्म हिंदी अंजाम करके हेमा मालिनी का पहला फिल्म अंजाम। कब आया था वो फिल्म? घोड़े का ये बना है उधर, वो फिल्म कब आई थी अंजाम? अंजाम होगा 25 साल हो गया, 25-30 साल हो गया। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 45। अच्छा 45। आप किधर रहने गए? हम यूपी से। कन्नड़ फिल्म भी होती होंगी यहाँ पे? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम बहुत होती है। अच्छा, ये बिल्डिंग का लिस्ट इधर है, देख लो बोल। अच्छा यहाँ पे पुराना है, राजा का नाम है, देख लो यहाँ पे अंकल जी बता रहे हैं राजा का नाम लिखा हुआ है, पूरा देख सकते हैं आप। महाराजा ऑफ मैसूर 18 नवंबर 1921। हमारा भी वीडियो देखे आप यूट्यूब में है। अच्छा अच्छा, आपका भी है? क्या नाम से है? किशोर कुमार का गाना सुनो। किशोर कुमार का गाना? हाँ सुनाइए सर। मेरा महबूब आया है,
मानू 74 74 एज आपका। नौ बच्चा, एक बेटा चला गया, तीन बेटे, पांच बेटी। आप कहाँ से हैं? हम मैसूर वाले। मैसूर से है? सैयद बाबू नाम मेरा पूरा। अच्छा अच्छा, मैसूर गदमी है। जितने के एक्टर साथ है ना, सबको मिला हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितने एक्टर साथ है सबको मिला? मिला हूँ, शाहरुख खान को मिला हूँ। शाहरुख खान दीवाना में एक बार इधर खड़े थे, अंदर नहीं गए। अच्छा अच्छा, बाहर खड़े थे सर। ये जिप्सी में गाना है ना, इधर से लिया शाहरुख खान का। तारे से मूवी देखा हूँ मैं, करोड़ मूवी। अच्छा, कोई अच्छा सा एक धुन और बजाइए, पुराना किसी गाने का। पुराना है हमारे जमाने का, कितना साल का बोले थे, 60 साल का गाना है। लेके पहला पहला प्यार। जादू नगरी से आया है कोई जादू, ये 100 साल पहले। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नया में ये गाना लास्ट आता हमारे को, तो था सलमा जी का। कौन सा वाला? बॉडीगार्ड। अच्छा, प्रेम कहानी है मन। सलमा खान का ये है, अक्षय कुमार का। धड़कन का अमिताभ को बजाया है, ये मर्द पिक्चर में पिकअप होगी इजाजत है। हाँ हाँ, अपना गाना सुनो सब बोले बजाइए, बोले अमिताभ बच्चन। अच्छा, होटल में देखो ये मेरे गले में तुम्हारा क्या काम है। आप आए ना साइकिल को, आए साइकिल के लिए आए? नहीं नहीं, हम कैसे ही ऊटी जा रहे हैं। दोस्तों, दीवाना मूवी में एक सीन यहाँ से फिल्माया गया है, जिसमें यहाँ पे ऋषि कपूर खड़े रहते हैं और इस पिलर के पास अमरीश पुरी जी खड़े रहते हैं, और ये देख सकते हैं आप, सेम ऐसे ही नज़ारा है। और ये सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए, और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, एक सीन यहाँ से फिल्माया गया है, जिसमें जो अमरीश पुरी साहब होते हैं वो इधर से आते हैं गाड़ी में, दीवाना फिल्म में। अंकल, यहीं का सीन था ना वो? अच्छा, उसमें ऐसे यहाँ पे दो पेड़ दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा था ये दिया बारती आती है। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ पे पहले दो पेड़ हुआ करते हैं ना, वो वाले वो उखाड़ दिए बता रहे हैं। दोस्तों, अभी अंदर चलते हैं यहाँ से, क्या मस्त नज़ारा है। दोस्तों, दीवाना मूवी में एक सीन यहाँ से फिल्माया गया है, जिसमें ऋषि कपूर जी जो होते हैं इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहे होते हैं, इससे यानी अंदर से निकल के आ रहे होते हैं। हालांकि ऊपर जाना अलाउ नहीं है, अगर आपको ऊपर जाना है इससे तो फिर आपको यहाँ पे बुक करना होगा रूम। ये 5-स्टार होटल है, उसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो रखे ना यहाँ पे कोने पे, ये उस टाइम पे वहाँ रखे गए थे। एक इधर रखा है, ये वहाँ पे था, और जो ऊपर वाले रखे हुए हैं वो वहीं थे, और सीन यहाँ से फिल्माया गया था, इस प्रकार से था, कुछ पूरा सीन मैच हो रहा है, सेम ऐसे ही था बिल्कुल। दोस्तों, जैसे कि जब मैं टिकट लिया था तो उसमें बताया गया था कि आपको एक चाय या कॉफ़ी मिल सकती है, तो ये है इसका रेस्टोरेंट एरिया, जहाँ पे आपको खाने के लिए मिलेगा। अगर इससे अलग, चाय या कॉफ़ी से अलग आप कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा।
और मस्त है। ये अपना सत्तू भैया बैठे हैं, कैसा लग रहा है बैठ के? आप तो भाई साहब रात सा ही लग रहा है बिल्कुल। तुम चाय कॉफी मंगाओ यार, कुछ मंगाएंगे। चलो ठीक है, जल्दी मंगाओ। दोस्तों हमारी चाय आ चुकी है, दो चाय आई हैं और कुछ बिस्कुट भी साथ में हैं। दोस्तों ये है इसका वेंकट हॉल और इधर से चलते हैं हम बाहर की तरफ। ये है इसका स्विमिंग पूल इधर अंदर और क्लॉक रूम, तो अंदर उधर जाना अलाउ नहीं है। चलिए बाहर चलते हैं। दोस्तों दीवाना फिल्म में एक सीन यहाँ से लिया गया है, जिसमें यहाँ पे लिखी हुई आती है दीवाना और ये वाले गुम्बद आते हैं ऐसे ही, ऐसे कुछ लिया जाता है इस पैलेस का नज़ारा। तो इस पैलेस से हम निकल चुके हैं और अभी हमें वैसे जाना है ऊटी, आज हमें ऊटी पहुँचना है। तो अभी 4 बजने वाले हैं और ऊटी पहुँचने में हमें लगभग 2 से 3 घंटे शायद लग जाएंगे, क्योंकि ऊटी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।